प्रधानमंत्री जी का हुआ प्रारंभ, मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया है और ये प्रोग्राम जो है हमें बताया गया प्रोग्राम आगे बल्कि उसके अंदर मुझे बोलना था अचानक रात को उन्होंने उनके लिए चलवा दिया कि उनकी स्पीच नहीं है। ये फेडरल जो संघीय ढांचा देश का है जिसमें राज्यों में जो काम होते हैं जीवन देश आगे भी क्यों नहीं उसके अंदर भी कई काम ऊपर करने पड़ते हैं पीडब्ल्यू करने पड़ते हैं मिलते काम करते कई बनाने में कई प्रक्रिया भी होती है लंबी बात है। मैं कहना चाहूंगा कि ये तरीका अच्छा नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूं पिछले 50 साल में मैं देख रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की योजना होती है राज्यों में उनको कहते हैं CSS सेंट्रल स्कॉलरशिप और 90-10 होती थी 90% केंद्र का स्टेट का 80-20 होती थी 70-30 होती थी 60-40 होती थी इन्होंने रेशियो से बदल दिए वो बड़ा इश्यू है। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी यहां पे भी जो यूपी गवर्नमेंट थी 75% था 25% राज्यों का था इन्होंने वो बदल के 60-40 कर दिया। आज आगे जो प्रोग्राम हुआ उसमें लंबे समय से पहले जो प्रोग्राम पोस्टपोन होते हुए ये ऐसे प्रोग्राम राज्य सरकारें खुद करती है अपने स्तर पर वो इन्वाइट करती है चीफ गेस्ट के रूप में तो केंद्र सरकार के मंत्री भी वो अलग बात है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऐसा प्रोग्राम इस रूप में ऑर्गेनाइज करो बिना कोई डेट को कन्वीनियंस किसकी है मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं करती आप प्रधानमंत्री आए तो कोई बात नहीं उन्होंने उनको सुविधा टीम के अतरा दी है तब हम तैयार हैं। अब उसके अंदर आप जो है वहां के चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर प्रोग्राम बना सकते हैं। साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं उनके पैरों में कुछ तकलीफ है आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।